टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव नेक्स्ट टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी एक हमारे पास स्प्रिंग है या कोई भी एक वेव किसी स्प्रिंग के अंदर मूव कर रही है, उसके अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आता है। क्या वर्ड बोले मैंने? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन निकला कंप्रेस से वर्ड, जिधर पे एक चीज़ कंप्रेस हो रही हो। ये देखें, ये जो स्प्रिंग है हमारे पास, इसके अंदर इसके रीजन्स के पास पास हैं, तो इस जहाँ पे रीजन्स इसके क्लोज होंगे वो इसको कंप्रेशन बोलेंगे। जहाँ पे इसके रिंग्स या रीजन दूर दूर होंगे विद अ स्पेस होंगे, उसने उन्हें बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। वर्ड दोबारा सुने, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या है? जहाँ पे उसके रीजन्स पास पास होंगे, कंप्रेस होंगे, उसको कंप्रेशन बोलेंगे। जहाँ पे उसके रीजन अल्टरनेटिंग होंगे विद अ डिस्टेंस, विद उनकी जो स्पेस, एक स्पेस होगी दोनों उनके रीजन्स में, तो उनको रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। फिर फर्स्ट जो एग्जांपल आती है टाइप हमारे पास मैकेनिकल वेव की, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव है जो ये हमारे पास है। अब इसमें देखें कि जो वेव है और इस स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे ट्विस्ट नहीं कर रहे, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहे, ना नीचे जा रहे ना ऊपर जा रहे। जिस तरह जो स्प्रिंग बंधा हुआ है उसके पार्टिकल्स या उसके जो रीजन्स हैं वो भी उसी ही मूवमेंट में मूव कर रहे हैं। तो ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल जो मूव करें उस डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन में मूव करें, मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ वेव की में के साथ ही मूव करें तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स आगे दूसरे नेक्स्ट इसकी टाइप है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव वो वेव है, जैसे ये एग्जांपल ऊपर है, अगर मेरे पास एक रोप है, एक रस्सी है बंधी हुई है किसी जगह से, तो उसको मैं एक जोर दफा इस तरह मूव करता हूँ तो उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगी। वो वाइब्रेशन क्या होगी? वाइब्रेशन ऐसे ऊपर नीचे होगी, फिर जाके वो स्ट्रेट हो जाएगी। अब ये देखें कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं? ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी कि ये मीडियम जा रहा है ये वाला, और ये किस तरह मूव कर रहे हैं? वर्टिकली। ऐसी वेव जिसके अंदर उसके पार्टिकल्स क्या हों, वेव ऑफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें, तो उसको ट्रांसफर वेव करते हैं। ये आपने डेफिनेशन पढ़नी है, ये सारा टॉपिक पढ़ना है आपने नेक्स्ट। और इसके अंदर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और दो डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की, ये आपने लर्न करनी है जस्ट।